अगर चार महीने विधायकों और सांसदों का वेतन रुक जाए और मंत्रियों का वेतन रुक जाए तो शायद सदन ठप हो जाए, लोकसभा भी और विधानसभा भी। जी आप भी देख लीजिए और योगी जी आप भी देख लीजिए, राम राज है या रावण राज द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ये भ्रष्ट है, इसको इस जनपद से जाना होगा। इस जनपद के शिक्षक के वेतन के लिए जिला संगठन को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे और ये दरी अंतिम सांस तक वेतन निर्गत होने तक यहाँ से नहीं उठेगी। ये हमारा जब उनके पास कोई आदेश ही नहीं है, ये पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण इनका आदेश है। आप देख रहे हैं लबोल फ्रेम और मैं हूं अतुल तिवारी और मैं आज मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में डीआईओ ऑफिस में, जहां आज जो हमारे शिक्षक गण हैं, जो देश के कर्णधार हैं, जिनके जो सेवारत हैं, जिनकी वजह से भारत विश्वगुरु बन पाएगा, जिनकी वजह से जो छात्र हैं उनका मार्गदर्शन होता है, इनका आज तीन महीने से वेतन लगभग रोक दिया गया है। तीन महीने से क्यों सर? तीन से चार महीने का जो वेतन है वो रोक दिया गया है और आखिरकार आज ये बिवस है। और जो डीआईओस हैं, डीआईओस जो विद्यालय के निरीक्षक होते हैं, जो प्रतापगढ़ जिले के निरीक्षक हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है, हाथ में आप तख्ती देख सकते हैं, कहां गए भाई, कहां गए जिला विद्यालय निरीक्षक, कहां गए? जो उनको लाएगा 125 रुपए पाएगा। चलिए कुछ शिक्षक गण इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं एक बार पूरा कैमरा घुमा देंगे कि जिले के जितने भी शिक्षक गण हैं वो यहां पर आज मौजूद हैं। इंटर कॉलेज के आप शिक्षक गण हैं वो यहां पर आज देख सकते हैं डीआईओस ऑफिस में मौजूद हैं। कर्मचारी भी हैं और शिक्षक भी हैं। पहले तो आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कहां से हैं सर आप और किस पद पे, पहली बात आप हैं। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जनपद का संरक्षक हूं। मैं रामचंद्र सिंह मेरा नाम है जी। आज जिला विद्यालय निरीक्षक के तानाशाही के खिलाफ बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के आज पूरे जनपद के शिक्षक कर्मचारियों का चार चार माह से ये वेतन बाधित किए हैं। संगठन इनसे जब पूछने आया कि कारण बताओ, और कारण बताने के लिए हम लोग जब दरी बिछाए तो आज 9 दिन हो गया, एक कार्यालय से नदारद हो गए हैं। और 9 दिन से हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए, हम लोग तथ्यां लेकर के दिन में इनको खोजने निकले, रात में मशाल जुलूस लेकर के निकले, और आज हजारों हजार शिक्षकों को लेकर के इनको इनकी मुनादी हम लोग किए, पूरे शहरवासियों को बताए कि जो इनको खोज करके लाएगा 125 इनाम दिया जाएगा। आखिरकार हम शिक्षक अपनी पूरी जिम्मेदारी का 7:30 बजे से 12:30 बजे तक मेरे सारे शिक्षक अपने विद्यालयों में समाज राष्ट्र के निर्माण में अपनी सच्ची भूमिका निभा रहे हैं। अपने दायित्व का निर्वहन करने के बाद शायद प्रदेश का एक अकेला ये धारणा होगा कि हम अपनी ड्यूटी करने के बाद दोपहर में जो मेरे आराम का समय होता है, भोजन का समय होता है, उस आराम और भोजन के समय में हम अपने हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा ये धरना 2 बजे से 5 बजे तक चलता है और मेरा विद्यालय 7:30 से 12:30 तक है। मैं समाज निर्माता हूँ, राष्ट्र निर्माता हूँ। अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो समाज क्षमा नहीं करेगा। हम बच्चों को अपना तालीम दे रहे हैं, उनका जो हक है उनको दे रहे हैं, और जो हमारी ड्यूटी में कर रहा हूं और हक की मांग कर रहा हूं। हक की मांग करने आए, 9 दिन हो गया, कार्यालय से नदारत है, जिला प्रशासन भी उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। पूरे जनपद में हम लोग हल्ला बोले हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारी मांग एक मांग मात्र है कि बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के अधिनियम ने आपको किसी का वेतन रोकने और काटने का अधिकार नहीं दिया है, आपने अधिनियम का उल्लंघन किया है। ऐसी परिस्थिति में उच्चाधिकारी का आदेश जिस दिन आप दिखा देंगे उस दिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अपनी दरी को उठा लेगा, लेकिन आना होगा। उच्चाधिकारी के बिना किसी आदेश के मेरे किसी शिक्षक का वेतन न रोक सकते हैं न काट सकते हैं। दरी तभी उठेगी जब जनपद के सारे शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन समवेत रूप से निकलेगा। आपको बता दें जून माह का वेतन प्रयागराज सबको दिया है, तो मैं जानना इनसे चाहता हूं कि क्या प्रतापगढ़ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नया आदेश जारी किया है? अगर किया है तो हमारे शिक्षकों को आकर के दरी पर बता दीजिए, हम दरी उठा लेंगे। अगर संतोषजनक जवाब, लेकिन यह जवाब देने को तैयार नहीं, वेतन बाधित किए हैं। कितने मेरे शिक्षक अकेले हैं, कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई बुलंदशहर का है, यहाँ रह रहा है चार चार महीने से, बिल्कुल भूख के कगार पर है, तड़प रहा है,
और तनिक भी संवेदनशीलता नहीं। हमारा शिक्षक पूछने आता है तो अपना घर छोड़ करके भाग जाते, आखिर क्यों भाग रहे हो? यही संगठन आपको इस पद पर बिठाया है, हम लड़ झगड़ करके आपको अपना निरीक्षक निरीक्षण करने के लिए चौकीदार के रूप में, अपनी चौकीदारी के लिए, अपने नियम अधिनियमों की रक्षा के लिए आपको हम बिठाए हैं। आखिरकार एक चौकीदार की वो हैसियत कि जिस अधिनियम की रक्षा के लिए संगठन ने बिठाया है, आज उनकी जरूरत कि मेरे उसी अधिनियम को विखंडित करके मुंह दिखाने के लिए दरी पर नहीं आ रहे, यही इसका उद्देश्य है। और इसके साथ हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हमारे संयोजक कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष, ये सब लोग आए हैं। आप हमारे मिश्रा जी, प्यारे लाल मिश्रा जी हैं, और ये भी अपना कुछ आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। 9 दिनों से यहाँ पर डीआईओएस ऑफिस में डीआईओएस नहीं आए हैं? 9 दिन से बिल्कुल नहीं आए, बल्कि उनको ढूंढा जा रहा, देख रहे हैं आप, तख्ती में लिख करके पूरे जनपद में घूमा गया। 125 रुपए इनाम रखा गया है कि जो ढूंढ के लाएगा उसको दिया जाएगा। राज कर्मचारी पूरी तन्मयता से शिक्षक गुरुओं का साथ दे रहा है, और अगर वो जल्दी से जल्दी नहीं आते हैं और कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं, वेतन का भुगतान नहीं करते हैं, तो जिला पूरा ठप हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बताइए, केवल प्रतापगढ़ जिले में वेतन नहीं दिया जा रहा है या पूरे उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उनमें भी जो शिक्षक है इंटर कॉलेज के उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है? और जनपदों में दे रहे हैं, अच्छा, सिर्फ प्रतापगढ़ के डीआईओ द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये भ्रष्ट है, इसको इस जनपद से जाना होगा, और नहीं जाएगा तो काम करेगा शिक्षकों का, और नहीं करेगा तो इसके विरुद्ध हम लोग पूरा जनपद बंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिला विद्यालय की सारी दायित्व जो है डीआईओएस के पास होती है, आखिरकार वो जो इनके साथ हैं, जो इनके हाथ हैं, जो उनके कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, आखिरकार उनका साथ देने के लिए वो क्यों मजबूर हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं डीआईओएस ऑफिस, और ये लगातार धरने पर बैठे हैं? तो सर, शिक्षा कैसे चल रही होगी विद्यालयों में, कैसे काम चल रहा है, आप लोग कैसे कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश राज कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा प्रतापगढ़ जिला मंत्री हूँ, और मैं इन शिक्षकों के मांगों को लेकर अपना जो है पूरा समर्थन देता हूं, और जब तक डीआईओएस आके इनसे वार्ता करके इनका वेतन नहीं भुगतान कर दे तब तक हम लोग पूरा साथ देते रहेंगे, और जो भी इनका सहयोग होगा करते रहेंगे। डीआईओ साहब अपने घर से वेतन देते हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं? नहीं, उत्तर आप ले लीजिए। एक प्रश्न का उत्तर, आपने कहा कैसे शिक्षा चलती होगी, ये प्रश्न आपका जेन्युइन है। सम्मानित अध्यक्ष जी ने बताया भी इस बात को, हम लोग सुबह 7:30 बजे बिल्कुल टाइमली विद्यालय पहुंचते हैं, और 12:30 बजे हमारा विद्यालय बंद होता है। इसके बाद 2 से 5 तक हम लोग यहाँ 9 दिन से धरना दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा विद्यालय संचालित नहीं हो रहा, नियमानुसार हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, पठन पाठन की व्यवस्था बाधित नहीं है, परंतु अपने वेतन के लिए, अपने भूख के लिए, अपने पेट के लिए आउट समय में 2 बजे से 5 बजे तक इस कार्यालय पर 9 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, परंतु जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय कान में जू नहीं रेंग रहा है। सुनने में आता है कि 2 बजे के पहले वो आते हैं ऑफिस, 2 बजे के बाद ऑफिस छोड़ करके निकल जाते हैं, हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करके यहाँ से चले जाते हैं। ये परिस्थितियां हैं, हम पढ़ाई पठन पाठन में किसी प्रकार का हम कोताही नहीं कर रहे हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री जी आप भी देख लीजिए, और योगी जी आप भी देख लीजिए, राम राज है या रावण राज, ये आप खुद तय कर लीजिए। जी सर, क्या कहेंगे? मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला संयुक्त मंत्री हूँ। ऐसे भ्रष्ट अफसर को जिले से तत्काल हटाया जाना चाहिए, और हमारे जितने भी शिक्षक हैं माध्यमिक शिक्षकों का वेतन का भुगतान अतिशीघ्र कराया जाए, जिससे कि शिक्षक निर्माण जो कर रहा है और शिक्षा दे रहा है वो मन से कर सके। अगर 4 महीने विधायकों और सांसदों का वेतन रुक जाए और मंत्रियों का वेतन रुक जाए तो शायद सदन ठप हो जाए, लोकसभा भी और विधानसभा भी, लेकिन शिक्षकगण जो हैं वो लगातार 7 बजे से 12 बजे तक अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद पेट है, आखिर क्या करें, बेबस है, मजबूर हैं धरना देने के लिए। जी सर, क्या नाम है? मैं सुरेश मिश्रा, राज कर्मचारी उत्तर प्रदेश, राज कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष जी। मैं कर्मचारियों की तरफ से अपने शिक्षक गुरुओं को ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके साथ पूरा कर्मचारी खड़ा है, और जो 9 दिनों से ये हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक के रूप में धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें
इनका पूर्ण समर्थन कर्मचारियों का है, कर्मचारी करते रहेंगे, जो भी मांगे होगी साथ हमें हम खड़े होंगे और पूरा कार्यालय बंद कराएंगे अगर किसी बात यह आती है तो। जी सर, आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या DIO साहब अपने घर से वेतन देते हैं, फिर क्यों नहीं आप लोगों से मुलाकात कराएं जब आप लगातार 9 दिन से बने हुए हैं तब। मैं अनिल सिंह जिला अध्यक्ष, हम अनिल सिंह जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ प्रतापगढ़ हैं। आज 9 दिन से, जैसा कि हमारे सभी साथियों ने, अभी संरक्षक साथियों ने आपको बताया, मेरा पूरा जनपद इनके इस कार्य प्रणाली से बिल्कुल पीड़ित है। पूरे जनपद में त्राहि त्राहि मची हुई है। हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। 7:30 से 12:30 तक विद्यालयों में कार्य करते हैं, उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक हम यहाँ बैठ करके अहिंसात्मक रूप से, पूरी तरह से मर्यादित ढंग से हम आज 9 दिन से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इस जनपद के शिक्षक साथियों के वेतन रोकने या काटने का कोई आदेश हो, इस दरी पर आकर के संगठन को बताएं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, संगठन अपनी दरी लेकर के चला जाएगा, बशर्ते यहाँ कोई आदेश आप ले आकर के दिखाएं। अन्यथा की स्थिति में इस जनपद के शिक्षक के वेतन के लिए जिला संगठन को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, और यह दरी अंतिम सांस तक, वेतन निर्गत होने तक यहां से नहीं उठेगी, ये हमारा कहना है। ये बताइए सर, वो लगातार 4 महीने से जब इनका वेतन नहीं आ रहा है तो आखिरकार क्यों DIO साहब अपना मुंह चुराते फिर रहे हैं और आप लोगों से मुलाकात करने को राजी नहीं है, कहां पर कहां कैसे देखते हैं सर इसको आप? जब उनके पास कोई आदेश ही नहीं है, ये पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण इनका आदेश है। जब अभी अगर हम तो केवल हमारी एक मांग है कि या तो अगर प्रयागराज में वेतन दिया गया तो हमें भी वेतन दे दो, यदि आपके पास कोई आदेश हो तो हमें दिखा दो, हम तो उठ के चले जाएंगे ना। हमने कहा कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम मर्यादा अहिंसात्मक ढंग से पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मर्यादा विहीन कोई लड़ाई अभी तक हमने नहीं लड़ा है, लेकिन अपने शिक्षक साथियों के वेतन के लिए कोई भी कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। महंगाई का दौर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें तो लगातार 4 महीने से वेतन नहीं आया है, सोचिए घर बार द्वार कैसे चलता होगा और इनके जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे चलती होगी। और DIO साहब और योगी जी, अगर आप मोदी जी से के साथ मिलकर भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं तो शिक्षक गुरुओं का साथ बहुत आवश्यक है। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इनके घर परिवार की सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और जो भी आज की जरूरतें हैं। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारा केवल यही कहना है, जो हमारी मुख्य मांग है, हमारे शिक्षक साथियों का वेतन तत्काल DIO महोदय निर्गत करें, हम इनका जिंदाबाद करते हुए अपने अपने विद्यालयों को वापस लौट जाएंगे। बस केवल यही एक मांग है कि हमारे जनपद के शिक्षक साथियों का वेतन तत्काल निर्गत किया जाए। प्रदेश नेतृत्व से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी से भी मेरा निवेदन है कि इनको निर्देशित करें कि हमारे जनपद का वेतन तत्काल शिक्षक साथियों का निर्गत किया जाए। लिए और कोई सर हैं जो शिक्षक गण हैं जो बोलना चाहते हैं? सर जी आए, सर आ सकते हैं, कोई वो नहीं है, देख सकते हैं कि कैसे आप लगातार पैर से वो दिक्कत है उनको, जरा सा आगे आएंगे तिवारी जी, आप देखिए विवश हैं बिचारे, वो बैठ के रिक्शा पर टहल रहे हैं, आखिरकार क्या करें। देखिए बरसात भी हुई है, इसी पॉलीथीन पर बैठ कर ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार क्यों आप लोगों का जो वेतन है वो रोका गया है क्या? सर देखिए, ये अत्याचार है, न शासन का कोई आदेश है, न उच्च अधिकारियों को कोई आदेश है, एक केवल बदमाशी कर रहा है जिला विद्यालय निरीक्षक, और जब बदमाशी कर रहा है तो कर्मचारी शिक्षक भी बदमाशी करेंगे तो ये यहाँ नहीं रह पाएंगे, इनको हम यहाँ रहने नहीं देंगे। और अगर ये 1-3 दिन के अंदर वेतन का भुगतान नहीं कर देते हैं तो इसको इसी कार्यालय में 10 बजे बंद करेंगे और सारी रात बंद किए रहेंगे। मैंने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ जनपद न्यायाधीश से बड़ा अफसर नहीं है, 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था, 2 दिन 2 रात उनको बंद किए थे, तीसरे दिन चले गए लटका के 24 घंटे के अंदर। यहाँ कर्मचारियों में ताकत है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सराफत है,
शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, सबको शिक्षा देते हैं और इस शिक्षा को भ्रष्ट करना चाहता है। ये पता नहीं कहाँ का नालायक आ गया है यहाँ पर, ये शिक्षा को भी भ्रष्ट करना चाहता है, अपनी तरह इनको भी बेईमान बनाना चाहता है, जबकि ये गुरुजन है, इनके पढ़ाए हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश विदेश में जाते हैं, ये पता नहीं किसकी शिक्षा पा करके यहाँ आ गया, किसकी भाग से आरक्षण में आ गया। ये कोई नीच जात का आदमी है और नीचता कर रहा है, अब गुरुजनों के साथ नीचता कर रहा है, इसका भला नहीं होगा। अब कर्मचारी जिस दिन सोच लेगा ये एक कदम भी नहीं आगे चलेगा, चाहे लाठी चले, चाहे जेल जाए, चाहे एसपी आवे, चाहे डीएम आवे। आप लोगों को कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं डीआईओ साहब, पैसा कहना चाहते यही कठपुतली बना करके रखना चाहता है, भ्रष्टाचार करना चाहता है कि शिक्षक भी ये गुरुजन भी शिक्षा हमारी तरह भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचार चल करें, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतापगढ़ के शिक्षक, प्रतापगढ़ के कर्मचारी न कभी बर्दाश्त किए हैं न बर्दाश्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो जरूर शेयर करें। आखिरकार ऐसे डीआईओ हो या कोई भी बड़ा अधिकारी हो जो उनके साथ कर्मचारी हैं, शिक्षकगण हैं, वो लगातार उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, और अगर आप डीआईओ को ढूंढ के लाते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी 125 रुपए मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, बैनर में लिखा हुआ है गुमशुदा की तलाश है, और अगर आप इनको ढूंढ के लाते हैं डीआईओ साहब को, जो कि विद्यालय के निरीक्षक हैं, जिले के आला अधिकारी हैं, अगर आप उनको ढूंढ कर लाते हैं तो 125 रुपए आपको भी इनाम के रूप में इन शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा, आपके लिए ये बड़ा पुरस्कार होगा। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।